अंतिम में इसका परिणाम जो हमें मिलता है वो इस प्रकार की होती है। इसे बांस की हानिया कहते हैं। इसी से गैर नृत्य, एक हाथ में कोई तो तलवार रखता है और एक हाथ में ये रखता है और इसके साथ गैर नृत्य किया जाता है। कोई दोनों हाथों में रखकर नृत्य करता है, काफी अच्छा गैर का। तो तिलक जी कितने सालों से किया जा रहा है रुनेड़ा में? ये करीब 450 वर्षों से गैर नृत्य पौराणिक परंपरा है, इसको खेला जाता है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ओके सो गाइस, टुडे इज 14th of March और आज है रंग तेरस। तो सबसे पहले सभी को रंग तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि रंग तेरस होती है वो सिर्फ रुनेड़ा की सबसे अच्छी होती है। और रुनेड़ा जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उदयपुर से 50 किलोमीटर के आसपास दूर है। और मीनार का जमरा और रुनेड़ा की तेरस, ऐसी कहावत है, ये काफ़ी फेमस है। तो आज 14 मार्च और आज ही है रंग तेरस। अभी बजे सुबह के करीबन 11 और 12 बजे सुबह से वो मिट्टी से खेलने वाला सेलिब्रेशन शुरू होगा और रात को गेयर खेलने का प्रोग्राम होता है। तो मिट्टी वाला इस साल कुछ कैंसिल सा रखा है, पर उनके लड़के खेलेंगे अलग से बना के, लेकिन मेन मंदिर यहाँ कैंसिल रखा है। क्या पता क्या सीन हो जाए और आ जाए, पता है उसका पता नहीं। बाकी इधर हमारे घर की साइड आज़ाद नगर में तो पक्का होने ही वाला है। सो वही मिट्टी वाला जो काम होता है वो ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, क्योंकि मज़ा आता है उसी दिन। जैसे कि इस पिक में देखो, लास्ट ईयर हमने कैसा खेला था। जो पुराना जहाँ पे गांव बसा था स्टार्टिंग में, दरवाज़ा बोलते हैं, वहाँ पे खेलते हैं। फिर वहाँ से नीचे उतर के मेन मंदिर जो चारभुजा जी का है, लक्ष्मीनारायण मंदिर, वहाँ पे उसके सामने खेलते हैं। तब शाम की 5-6 बज जाती है और फिर यही प्रोसीजर होता है। बाकी मैं इसकी पूरी हिस्ट्री और प्रोसीजर जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो पढ़ लेना। तो चलो मैं मंदिर की तरफ आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पे मिट्टी से खेलते थे और इस साल खेले या नहीं खेलेंगे पता नहीं, और कहाँ पे रात को गेयर होगी। सो वही चलो। ओके सो गाइस, जिस लकड़ी से हम जो गेयर खेलते हैं उसको हम मेवाड़ी भाषा भांजा बोलते हैं, और वो बांस के पेड़ से होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ तुमको, ये ऐसे बांस का पेड़ है, इससे लकड़ी काटते हैं जो पतली पतली होती है खेलने लायक। वैसे जैसे कि हमारे भी विनोद जी मेहनत कर रहे हैं। ये साइड कॉमेंट्री तिलकराज, ये इसे काट के हांजे बनाएंगे और उनसे खेलेंगे। अभी तो चलेंगे जैसे भी होंगे, फिर रात के लिए स्पेशल चाहिए, रात को 8-9 बजे बाद खेलेंगे बड़े। ओके सो गाइस, जैसा तुम लोगों ने देखा था, ये विनोद जी मेहनत कर रहे थे, ऐसे हांजे बनते हैं। काफी मुश्किल वाला काम है लेकिन कर रहे हैं। मेरे जैसे से नहीं हो सकता ये। सब इसके सूखे पन्ने बांस के सूख गए, पहले कोई आया था यहाँ लेने, इसलिए ये पुराने हो गए। पिछले वर्ष के, गत वर्ष के, इस वर्ष की तैयारियाँ, ये हरे हरे दिख रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट कटे हुए हैं। ये बांस का वृक्ष, इसका ये अंतिम में इसका परिणाम जो हमें मिलता है वो इस प्रकार की होती है। इसे बांस की हानिया कहते हैं। इसी से गैर नृत्य, एक हाथ में कोई तो तलवार रखता है और एक हाथ में ये रखता है और इसके साथ गैर नृत्य किया जाता है। कोई दोनों हाथों में रखकर नृत्य करता है, काफी अच्छा गैर का। तो तिलक जी कितने सालों से किया जा रहा है रुनेड़ा में? ये करीब 450 वर्षों से गैर नृत्य पौराणिक परंपरा है, इसको खेला जाता है। और ये प्राचीन इतिहास के कारण और हर्षो उल्लास इतिहास के साथ ऐतिहासिक गैर नृत्य होता है। तो ये किस दिन होता है? ये होली के 13वें दिन होता है, होली के पश्चात जो 13वां दिन रहता है। तो ये तिलक जी भी आपको लकड़ी घुमा के बताएंगे, रात को तलवार अभी लकड़ी। हाँ, उदयता में अच्छा आता है ये।
ओए रे नहीं बड़ो ही नॉर्मल वाले से बिना लगता हुआ गोटा है तो अभी तिलक जी आपको गोटा बिना लगता हूं बिना का गोटा घुमा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस यही होती है। किसका खेत है उसका कोई आइडिया नहीं है, कोई आ जाएगा तो भागना भी पड़ेगा, पाली पाली पे नोट दौड़ना पड़ेगा, इसका भी कलाकारी वही होगी। तो ये तिलक जी की प्रैक्टिस रात्रि काली अभ्यास भी हो गया मना वाला ही है। तो भाई भाव हो गए ज़्यादा, तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।
ओके सो गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने देखा ये था पूरा सेलिब्रेशन दिन का। अभी बच्चों करीब शाम के 6:30 के आसपास और रात को 8 बजे ऑलमोस्ट 9 बजे के बाद सीरियस वाली तैयारी शुरू होगी। मतलब सीरियस वाली मतलब यार गेयर खेलेंगे, फिर वो गेयर वाला चलेगा तब तक 11-12 बज जाएगी। उसके बाद चलेगा फिर घोटे और तो तलवारों का खेल, पट्टियाँ एंड वो जो भी है वो सब सीन, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। तो अभी तक आपने देखा ये था पूरा दिन का सेलिब्रेशन। और आप देख सकते हैं कि कलर से खेला इस बार, वो कीचड़ यूज़ नहीं करा है। मेरे को तो पसंद है कीचड़, पर इस बार कलर चुका है तो कलर देख लो निकला नहीं है। तब तक मैं 3 बार नहा चुका हूँ, फिर भी देख सकते हैं कलर नहीं निकल रहा है। स्ट्रॉन्ग वाला कलर यूज़ किया, इवन मेरे हाथों के ऊपर से कलर नहीं निकला है। सो वहीं तो काफ़ी भारी सेलिब्रेशन होता है। दिन का सेलिब्रेशन हो गया, अब रात का वो और ज़्यादा बेटर होता है। रात वाला सेलिब्रेशन और तगड़ा होने वाला है। वेट करते हैं रात के लिए, क्योंकि तभी सभी लोग ट्रेडिशनल लुक में आएंगे। जैसे मैं भी ट्रेडिशनल ड्रेस में जाऊंगा, धोती कुर्ता और पगड़ी, पूरा वो मेवाड़ी वाला लुक होगा। ऑलमोस्ट सभी लोग उसी मेवाड़ी लुक में आएंगे, सो वही होगा रात को। तो चलो करते हैं, अभी हो रहा है सनसेट, कमाल का सनसेट पीछे की साइड। तो आपको ये दिख रहा होगा ये पीछे शायद सनसेट हो रहा है। तो बस शायद ये इस वीडियो के लिए एनफ होगा, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। पार्ट टू में जो भी नाइट का सीन है वो मैं दिखा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो कर दो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं जस्ट पोस्ट करूंगा जो नाइट में जो होता है वो सीन। आज है 14 मार्च, वीडियो ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे 15 या 16 मार्च को, पता नहीं जब भी होता है, क्योंकि अभी मैं गाँव उदयपुर आने के बाद वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ सारे एडिट करके। सो वही, सो मिलते हैं उस दूसरे वाले व्लॉग में। सो बाय।